नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उन्नाव कलेक्टर गेट पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने 10 लाख के बंदर बांट घोटाले की शिकायत पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। गेट पर मौजूद होमगार्ड की सक्रियता से बड़ी घटना टल गई। आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी ने एक हफ्ते के अंदर जांच आख्या के अधिकार पर नियम अनुसार कार्रवाई का दावा किया। देखिए ये रिपोर्ट। उन्नाव के मियागंज ब्लॉक के हरा डडिया के रहने वाले मुकेश रावत ने कलेक्ट्रेट गेट पर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि मुकेश रावत ने ग्राम पंचायत में घोटाले की शिकायत पर कार्रवाई न होने से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर खुद पर पेट्रोल डाल लिया। युवक की तरफ से खुद पर पेट्रोल छिड़कता देख कलेक्ट्रेट की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने युवक को आग लगाने से पहले ही कब्जे में ले लिया। युवक की आत्महत्या के प्रयास की सूचना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आत्महत्या का प्रयास करने वाले मुकेश रावत को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल ले गई। युवक का आरोप है कि मियागंज ब्लॉक के अहरा डडिया ग्राम पंचायत में विकास कामों में घोटाले की शिकायत पर कार्रवाई में लापरवाही बरती गई। युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीएम और एसडीओ के पास हमने अपनी ग्राम पंचायत में हुए विकास कामों में कम से कम 10 लाख के घोटाले की शिकायत की थी। जिले का आदेश बीडीओ को भेज दिया जाता है, बीडीओ वहां आदेश रफा दफा कर देता है। मुकेश ने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए मरने का प्रयास किया। जी हाँ, तो पुलिस ने आत्मदाह का प्रयास करने वाले मुकेश रावत को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल ले गई। युवक का आरोप है कि मियागंज ब्लॉक के अहरा डडिया ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में घोटाले की शिकायत पर कार्रवाई में लापरवाही बरती गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।